बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी, गोहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गोहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 6 हमारे गाँव पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी मश्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके हासलाते तौलम देखेंगे, उसके बाद चलेंगे अपनी मश्क की तरफ। हासलाते तौलम, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गुफ्तगू के अहम निकात समझ सकें, गुफ्तगू के दौरान मरकब जुमलों और मुहावरात का इस्तेमाल कर सकें, किसी भी मौजू पर पुरइतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। मश्क, दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी, मिल बांट कर आपस में तकसीम करके, शरीक शामिल, खबरगीर खबर रखना हाल जानना, खातर मदारत खिदमत, तिमादारी बीमार का हाल पूछना, खुशगपियाँ गपशप, जफाकशी मेहनत, कुमकुमे बिजली के बल्ब। प्यारे बच्चों, ये अल्फाज हमने सबक में पढ़े हैं और वहाँ पर जिस तरह से इनको जुमलों में इस्तेमाल किया गया है, हम उनकी मदद से इन आसान अल्फाज के जो मानी हमने जाने हैं वो भी इस्तेमाल करते हुए हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आओ समझें, मुनासिब तरीन जवाब पर गुट का निशान लगाएं। पुराने वक्तों में गांव के घर किस चीज़ से रोशन होते थे? मिट्टी के तेल के दिए से। गाँव की जिंदगी कैसी है? गाँव की ज़िंदगी बहुत सुस्त है। रबी की फसलें कब पककर तैयार होती हैं? मार्च अप्रैल में। मेलों में किस चीज़ की खरीदो फरोख्त होती है? ज़रात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की। दुरुस्त पर गुट और गलत पर क्रॉस लगाएं। गाँव के हर घर में ट्रैक्टर होते हैं? गलत। गाँव के पेशे ज़रात से मुतल्लिक होते हैं? दुरुस्त। अहमद के गांव में अभी तक स्कूल नहीं है? गलत। गांव में पक्की गलियां बनना शुरू हो गई हैं? दुरुस्त। गांव के लोग शाम को टीवी देखने के लिए चौपाल में जमा होते हैं? गलत। दर्जा ज़ैल सवालों के जवाब लिखें। गांव की ज़िंदगी कैसी होती है? गांव की ज़िंदगी आसान और सुस्त रफ्तार है। गाँव में कौन कौन से पेशों वाले लोग रहते हैं? गांव में ज़्यादातर लोग ज़रात के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। गांव में लोग किस वक्त उठते हैं? गांव में लोग सुबह सवेरे फजर के वक्त उठते हैं। अहमद के चचा क्या काम करते हैं? अहमद के चचा खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं। दिन को गांव के लोग कहां आराम करते हैं? जब सूरज सर पर आ जाता है तो लोग दरख्तों की घनी छाँव में आराम करते हैं। अल्फाज साजी, दर्जा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। सादा, गांव के लोग बहुत सादा होते हैं। हकूक, हमें वालदैन के हकूक अदा करने चाहिए। पुख्ता, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं हर रोज़ सबक याद करूँगा। ट्रैक्टर, गांव के लोग ट्रैक्टर चलाते हैं। अनाज, हर मौसम में अनाज और ताज़ा सब्जियां काश्त की जाती हैं। बीज बोना, ज़मीन में बीज बोया जाता है। ट्यूबवेल, ज़मीनों को ट्यूबवेल्स की मदद से पानी दिया जाता है। आओ बात करें, गांव की ज़िंदगी के मौजू पर एक तकरीर तैयार करके जमात में पेश करें। तस्वीरों को देखें और तीन तीन जुमले बोलकर इनकी अहमियत वाज़िया करें। तो यहाँ पर हमें तीन तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में आपने तीन तीन जुमले बोलने हैं। मुरक्कब जुमले, ऐसे जुमले जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनते हैं मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। मुरक्कब जुमलों में दो जुमलों को मिलाने के लिए ज़्यादातर और, मगर, वरना, चूँकि, चुनाचे, इसलिए, लेकिन, क्यों, क्योंकि वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे, चूँकि अली बीमार था इसलिए वो आज स्कूल नहीं गया। सलीम चुस्त है जबकि इसका भाई सुस्त है। मुहावरात,
मुहावरा का लघवी मानी बोलचाल या बातचीत है। मुहावरात रोजमर्रा की गुफ्तगू में आम इस्तेमाल किए जाते हैं। मुहावरा अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है, जैसे आँखों का तारा होना बामानी बहुत प्यारा होना, पगड़ी उछालना बामानी बेइज्जत करना वगैरह। सबक पढ़ें और दोस्तों में बैठकर मरकब जुमलों की निशानदेही करें और दुरुस्त तलफ़ुज के साथ साथ पढ़कर सुनाएं। नेज इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना भी बताएं। जैसे है बाग बाग होना, इसका मानी है बहुत खुश होना। ख्याली पलाव यानी अपने ख्यालात में नए प्लान बनाते रहना। दाल में काला होना शक होना। ईद का चांद होना कभी कभार नज़र आना। अब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। बाग बाग होना, आपकी आमद से दिल बाग बाग हो गया। ख्याली पुलाव पकाना, नाकाम लोग सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाते रहते हैं। दाल में काला होना, फरवा बात बात पर झूठ बोल रही है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। ईद का चांद होना, आप कभी भी हमारे घर नहीं आए, आप तो ईद का चांद ही हो गए हैं। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने इस मश्क में बहुत कुछ नया सीखा है। जैसा कि हमने अल्फाज सीखे और अल्फाज के आसान मानी भी हमें पता चल गए हैं, अब उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी सीखा। इसके साथ ही साथ हमने सीखा कि अगर हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी के मुतल्लिक अगर कोई खाली जगह आ जाती है या कोई सवाल पूछता है तो हमने उसके जवाब कैसे देने हैं। इसके साथ ही हमने सीखा कि मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं और मुहावरात किसे कहते हैं और उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।